गुरदास जी कहिंदे ने, देखो पानी दे विच कोई चीज़ सुटीए, पत्थर सुट दईए, लोहा सुट दईए, वह पानी दे विच डुब जाता है, पर उस पानी दे विच लक्कड़ सुटीए, वह लक्कड़ कदे भी पानी दे विच डुबदी नहीं। भावें कि किल किन्ना भी हौला क्यों ना होवे, लोहा किन्ना भी हौला क्यों ना होवे, वह तां भी डुब जाता है, पर लक्कड़ भावें क्वांटलां दे हिसाब नाल भी क्यों ना होवे, लक्कड़ कदे डुबदी नहीं, उह तर जांदी है। पानी नूं भाई गुरदास साहब सवाल करके पुछदे है, ऐसा क्यों, तू क्यों नहीं इस लक्कड़ नूं डुब दे? ते पानी ने अगों जवाब दे के कहा, कहन लग्या, इस करके कि इस लक्कड़ नूं मैं अपना आप दे के पालिया है। जिस दिन रुख लाया गया उस दिन भी उस रुख नूं पानी पाया गया, वड्डा होया उहनूं तां भी पानी पाया गया, पानी पै पै के रुख जिहड़ा पलिया वड्डा होया। कहिंदा जिहनूं मैं आप पालिया होवे उहनूं मैं डोब किवें सकदा हाँ। फिर उस लक्कड़ नूं कोई चीर देवे, चीरन तो बाद उहदियां फटियां बना के उहदी बेड़ी बना दित्ती जाए, ते हकीकत इह है बेड़ी बनी हुई है, ते बेड़ी बन तो बाद भी उहदे नाल किन्ने सारे किल लाए गए, भावें बेड़ी दे विच पत्थर रखे गए, ना वह जिहड़ा पानी है ना बेड़ी नूं डोबदा, ना किलां नूं डोबदा, ना पत्थर नूं डोबदा। भाई गुरदास साहब सवाल करके कहिंदे हुण उसे लक्कड़ दे नाल किल भी लगे है, उसे लक्कड़ दे विच भार भी लदे आ, पत्थर भी लदे है, तू हुण क्यों नहीं डोबदा? उहने जवाब दिता, कहन लग्या, जिहड़ा मेरे पाले होए दे नाल लग के आ जावे मैं उहनूं भी कदे नहीं डोबदा। भाई गुरदास साहब जी ने तीसरा बचन कहा, कहन लगे, जदों उस बूटे नूं पानी पा पा के पालिया जा रहा सी, ते उस वेले उस बूटे दे अंदर अग पैदा हो रही सी, क्योंकि लक्कड़ दे विच अग हुंदी है। कहिंदे इहदे विच अग पैदा हो गई, अग ते पानी दा विरोधी भाव है, कहिंदे हुण वी नहीं डुबेगा। पानी ने कहा, कोई गल नहीं, जिहनूं मैं पालिया भावें दे विच अग भी क्यों ना पैदा हो गई होवे, पर फिर भी इहनूं मैं डुबांगा नहीं। लेकिन जदों चंदन दी परख करनी हुंदी है, ते चंदन नूं पानी दे विच सुट के वेख्या जांदा है, जे उह डुब जावे ते असली चंदन है, जे ना डुबे ते उह नकली है। कहिंदे, तू चंदन नूं क्यों डुबदा है? पानी दा जवाब सी, उह कहिंदा, इस करके कि इहदी कीमत पै जावे, जे डुबिया ना ते इहदी कीमत नहीं पैणी। भाई गुरदास साहिब जी ने बड़ा प्यारा बचन कहा, पानी काठ ना डुबई पालै दी लज्जै, सिर करवत धराए कै सिर चढ़िया भज्जै। ते उस वेले भाई गुरदास साहब कहिंदे, पेटे अंदर अग रख तिस पड़दा कजै, अगरै डोबै जान के निर्मोलक तजै, गुरमुख मार्ग चलना छड खब्बै सजै। कहिंदे कि जिहनूं मैं पालिया नूं डोबदा नहीं, बल्कि सतगुरु भी कह रहे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे, इन्हां सिखां नूं मैं आप अमृत दी दात दित्ती, इन्हां नूं आप नितनेम दीआं बाणीआं सिखाईआं, इन्हां नूं आप सुखमणी पढ़ाई, इन्हां नूं मैं डोब किवें सकदा हाँ?